रही है तो आपका फोन सही है। अब ये भी आपको देख लेना है, ये रीडिंग तो हमेशा आएगी। अगर आपका फोन अगर हाफ शॉर्ट है तो भी ये रीडिंग आएगी, ठीक है। अगर क्रॉप को पलट के लगाओगे तो ये रीडिंग आएगी, तो हाफ शॉर्ट। अगर ये रीडिंग नहीं आ रही है, ना बीप आ रही है, ना ये रीडिंग, ना ये बीप, ओनली एक रीडिंग आ रही है 300 से 600 के बीच में, तो आपका फोन सही है। यानी कि उसके अंदर तो किसी भी प्रकार की कोई शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। ये आपको चेक कर लेना है। अब शॉर्टिंग का तरीका निकालने का तरीका अलग एक चैप्टर है पूरा का पूरा, ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग हाफ शॉर्ट को जो है रिमूव करेंगे, किस तरीके से हम लोग फुल शॉर्ट को जो है रिमूव करेंगे, ठीक है। प्रफुल समझ लीजिए इस चीज को। हाँ, ये सब एज ए आपने क्वेश्चन किया तो उसके लिए हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। एज ये आज ही से हमने टेस्टिंग किया डेमो के लिए, हमने देखते हैं आज के हार्डवेयर क्लास पर सेटअप लगाया हुआ है, तो अभी थोड़ी बहुत कमियां भी हैं, तो उसके लिए भी क्लास का सिस्टम देखना है कि मुझे किस तरीके से अटेंड करना है। इसलिए मैंने लिंक डाल दिया हमने, कि देखते हैं कितने लोग कनेक्टेड होते हैं, किनको किनको क्या चीज़ें समझ में आ रही है। जो आप लोगों को कमियां लगे वो जो है हमें बताइए कि क्या चीज़ें कमी अभी हार्डवेयर क्लास में, क्या चीज़ें और होनी चाहिए, ठीक है, तो वो उस पर हम गौर और करेंगे फोकस, तो हम जो है उसको इम्प्रूव कर सके अपनी कमियाँ जो हैं यहाँ पे ऑनलाइन हार्डवेयर क्लास में जो कमियाँ हैं। क्योंकि आईसी रिवॉल्विंग के तो नहीं आप कर सकते हो हार्डवेयर में ऑनलाइन, ठीक है, मैं तो जबरिंग नहीं कर सकते हो, बट इसकी अगर प्रैक्टिस करना चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और सिस्टम ऐसा रखेंगे एक हफ्ते के लिए जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ऐसी रिवॉल्विंग पेस्टेड ऐसी निकालने में, उनको यहाँ पे हम लोग बुला लेंगे एक हफ्ते के लिए। बाद बाकी पूरी थ्योरी, पूरा जो करना मिलता है, सिस्टमेटिक सर्किट डायग्राम है, पूरी कंपोनेंट, ये सारे के सारे जो है ऑनलाइन हो जाएंगे आराम से, तो आपका टाइम बचेगा, प्रॉब्लम हमें यहाँ पे फाइल फाइंडिंग भी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, इतना तो समझ में आया, पर फुल नहीं आया। आया प्रशांत सुरवे बताइए। हाँ, इतना तो सिंपल आया, नहीं तो सब तुम तो लोग तो वीडियो देखते रहते हो हमारे, उसी में पड़े हैं। और कौन कौन लोग कनेक्टेड है? शिवम है, बोर्ड साफ नहीं दिख रहा है, एक लाइट लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है, बोर्ड साफ दिखने लगेगा, क्लियर वो हमको देख रहे हैं। हाँ, वैसे थोड़ा बहुत समझ में आ ही रहा होगा ना, मोबाइल को फ्लैट कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर हम आगे चलते हैं। तो ये तो तुम्हारा था एक हार्डवेयर, इससे जो है आप फोन को चेक कर सकते हो कि इसके अंदर शॉर्टिंग है, हार्डवेयर से डेड है। अगर शॉर्टिंग है तो क्लियर है कि भैया फोन हार्डवेयर से डेड है, ठीक है। अब इसके बाद एक काम और भी आप कर सकते हो, स्टेप नंबर 3 पे ऑन ऑफ बटन पे आप चेक कर सकते हो वोल्टेज। ऑन ऑफ की जो बटन होती है या स्विच होता है वो एंड्रॉइड कीपैड, इसमें क्या आएगा 2.8 वोल्ट से लेके 4.0 वोल्ट तक, ये वोल्ट आप ऑन ऑफ के बटन पे आप चेक कर लीजिए, ठीक है। कितना वोल्टेज आपके मोबाइल के ऑन ऑफ स्विच पे आपको इतना वोल्टेज मिलेगा। अगर ये वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो भी हार्डवेयर की प्रॉब्लम है, ठीक है, इसी को समझ लीजिए। अब अगर आपके पास कोई फोन ऐसा आता है जब तो आपने चेक कर लिया कि फोन जो है उसके अंदर शॉर्टिंग भी नहीं है, हाँ, बैटरी भी चार्ज उसकी आपने कर ली, बैटरी भी चार्ज है, ऑन ऑफ पे वोल्टेज भी आ रहा है, फिर भी फोन जो है ऑन नहीं हो रहा है, आप क्या करोगे? तो ध्यान से देखिए, आप उसको समझिए। अब हमें चेक करना है कि ये फोन एक्चुअल में सॉफ्टवेयर से तो डेड नहीं है, क्योंकि अगर फोन अगर सॉफ्टवेयर से डेड है और अगर आप जो है उस पर हीट आईसी पे मारोगे, सीपीयू आईसी पे, पावर आईसी पे, ईएमएमसी आईसी पे, नेट आईसी पे या नेटवर्क आईसी पे, तो फोन आपका सही नहीं होने वाला है। क्योंकि पहले के फोन ऐसे थे कि उन्होंने नॉर्मली से हीट दे दिया, चालू हो जाते थे। आज के फोन थोड़ा स्मार्ट हो गए हैं, कहते हैं आप जिंदगी भर तो हमको हीट मारते रहे हो, ठीक है, आज तुम्हारी आज हमारा नंबर है, कल तुम्हारा था, ठीक है, आज हम डेड ही हो जाएंगे, फिर कस्टमर आके लड़ाई करेगा आगे, तो मोबाइल अब स्क्रीन में होशियार हो गया तो हीट मारने से वो सही नहीं होता है, ज्यादा गब्बर हो गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि अब सॉफ्टवेयर से किस तरीके से हमें चेक करना है कि ये फोन सॉफ्टवेयर से डेड है, कैसे चेक करेंगे? तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप पे बैटरी तो हमारी चार्ज है, डाटा केबल से जो हम लोग फोन को कनेक्ट करेंगे पीसी से,
डाटा केबल जो हम लगाएंगे और कनेक्ट करेंगे पीसी या लैपटॉप से, और डिवाइस मैनेजर में जाके डिवाइस मैनेजर में जाकर कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? कनेक्टिविटी चेक करना। आप लोग सॉफ्टवेयर सीखते हो, आपको पता ही कि फोन को जो है किस तरीके से कनेक्ट होता है, भले उसके ड्राइवर नले हुआ एक अलग है, अगर सॉफ्टवेयर से फोन डेड है तो वो ड्राइवर पोर्ट जरूर बनाएगा, भले ही फोन डेड हो या किसी बंदे ने फ्लैश किया हो, फोन डेड हो गया फ्लैशिंग में, या किसी ने पूरा फॉर्मेट किया फोन डेड हो गया, ठीक है। तो कनेक्टिविटी जरूर दिखाएगा डिवाइस मैनेजर में, ठीक है। अब जब कनेक्टिविटी दिखाएगा तो आप समझ जाएंगे कि फोन क्या है, सॉफ्टवेयर से डेड है, यानी कि इसका जो प्रोग्राम है वो खराब हो चुका है। समझ में आया बात इस चीज को प्रफुल्ल? यहां तक प्रफुल्ल? हाँ, यहां तक समझ में आ गया। तो डिवाइस मैनेजर में जाके आपको जो है चेक कर लेना फोन की कनेक्टिविटी, अगर फोन की कनेक्टिविटी सही है तो आप समझ जाएंगे कि फोन के अंदर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, तो आपको जो है लेटेस्ट वाली फाइल वगैरह डाउनलोड करके आप जो है सॉफ्टवेयर कर सकते हो। और कैसे चेक करेंगे? अब मान लीजिए किसी फोन का जो है जैक खराब है, क्या खराब है? चार्जिंग जैक खराब है, और जब चार्जिंग जैक खराब है या तो फोन चार्ज तो होता है, क्या उसके RFTX यानी कि फोन की कनेक्टिविटी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो चार्जिंग कनेक्टर होता है, चार्जिंग कनेक्टर, ठीक है, जो आपके एंड्रॉइड मोबाइल का जो चार्जिंग कनेक्टर होता है वो कितने पिन का होता है बताओ? ऑनलाइन मोबाइल बताइए, पांच पिन का तो होता ही है, सही है, बिल्कुल सही। आज डेट में जो पांच पिन के और टाइप सी दो प्रकार के आ रहे हैं, ये आपका चार्जिंग कनेक्टर है, ठीक है। कितने पिन का है ये? पांच पिन का है। हाँ, एक दो तीन चार पांच, यहाँ पे देख लीजिए, एक दो तीन चार पांच, पांच पिन का कनेक्टर है। तो इसमें से एक पॉइंट जो होता है वो माइनस का होता है, क्या होता है? एक पॉइंट जो है वो माइनस का होता है, यहाँ से एक नंबर ये है तो ये प्लस 5 वोल्ट की सप्लाई इस पे, ये RX पिन नंबर दो, TX चौथी नंबर का कोई कनेक्शन नहीं होता, और पांचवी नंबर जो होती है ग्राउंड होती है, यानी कि नेगेटिव होती है। अगर आपका फोन चार्ज हो रहा है तो यानी कि आप समझ जाइए कि पिन नंबर एक और पिन नंबर पांच कनेक्टेड है, दो पिन सिर्फ जुड़ी है और फोन आपका चार्ज होने लगता है। लेकिन अगर आपकी फोन की कनेक्टिविटी लैपटॉप में नहीं है तो आप समझेंगे कि RX का जो पॉइंट है ये और TX, ये दो पॉइंट जब कनेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, TCP में कनेक्टर के ये वाले प्लस और RX TX ये कैंसिल, और ये वाले ग्राउंड है। आप मल्टीमीटर को चेक भी कर लीजिएगा, ठीक है, ग्राउंड पर रख के आप चेक करेंगे तो जो पिन बीप करेगी ये वाली पिन बीप कर रही थी, ये वाली माइनस है, ठीक है, और ये वाली पिन बीप कर रही थी, ये वाली माइनस, यानी इस साइड से प्लस है और अगर इस साइड से भी तो इस साइड से प्लस, ठीक है। तो प्लस के बाद RX TX होते हैं, RX TX अगर जब तक कनेक्ट नहीं होंगे और प्लस माइनस कनेक्ट नहीं होंगे तब तक आपका फोन कनेक्टिविटी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर आपका फोन कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है? आप कनेक्टर चेंज करोगे, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि उसमें सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम या हार्डवेयर से प्रॉब्लम, फोन हो सकता है आपका जो है चार्जिंग एडप्टर सही हो या ना हो, तो उसका एक दूसरा तरीका है कि अगर आपका कनेक्टर सही है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आपका फोन कनेक्टिविटी दिखाएगा, और अगर आपका फोन का कनेक्टर बेकार है तो कनेक्टिविटी नहीं दिखाएगा, प्रॉब्लम उसमें सॉफ्टवेयर की। तो कैसे चेक करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? तो हम DC मशीन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? दूसरे नंबर पे DC मशीन का।
और शायद हम जानते हैं सभी के पास ये मशीन है, क्योंकि 700 से 800 के बीच में ये मिल जाती है। डीसी मशीन सभी के पास होगी, फिर बैटरी भी चार्ज करने कई सारे काम करने के का काम करती है डीसी मशीन। डीसी मशीन को आप 3.7 वोल्ट से 4.2 वोल्ट पे आप सेट कर लीजिए, मोबाइल को कनेक्ट कर दीजिए। अब मोबाइल को कनेक्ट करने का मतलब प्लस में प्लस लगाना, माइनस में माइनस लगाना, या फिर माइनस और बीएसआई दोनों को एक साथ लगाना है। माइनस और बीएसआई पॉइंट दोनों को एक साथ लगा दीजिए। जैसे कि समझने की कोशिश करिए, ये आपका बैटरी कनेक्टर है, ये प्लस है और ये वाला माइनस है, और ये बीच वाला बीएसआई पॉइंट होता है बैटरी स्टेटस इंडिकेटर। तो प्लस पे लगा दीजिए रेड पर आप डीसी मशीन की, ठीक है, और ये ब्लैक पे दोनों पे लगा दीजिए ब्लैक वाली, माइनस और ब्लैक। और मोबाइल को ऑन करेंगे, क्या करेंगे मोबाइल को ऑन करेंगे, ऑन करने पे क्या होगा, जो डीसी मशीन होगी, डीसी मशीन में जो है एम्पियर की रीडिंग चलेगी। क्या चलेगी?